हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है टी एस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर जर्नल। इसमें हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जिस एग्जांपल में हमारा टॉपिक है बैड डेब्ट्स का, कि बैड डेब्ट्स कब और कैसे हो जाता है और उसको जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। हमने बोर्ड पर भी नोट डाउन किया, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको टोटल फोर इक्वेशंस दिए हैं। नंबर वन आपको दिया है 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। सोहन इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट। रिसीव्ड 60% ऑफ 10,000। रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर 700। लास्ट इक्वेशन है हरी ए डेटर्स ऑफ ₹10,000 बिकम इनसॉल्वेंट। रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी एज अ फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इज रिसीवर। पेमेंट रिसीव्ड पार्शली इन फॉर्म अ मशीन वैल्यू 3,500 एंड बैलेंस इन कैश। अब देखो, हमें जर्नल बनाना है। जर्नल के हमने हर इलस्ट्रेशन में जब भी क्वेश्चन किया, मैंने कुछ रूल्स लिखे थे जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाता है कि डेबिट या क्रेडिट में कैसे करना है। अभी हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं इसके अकॉर्डिंग आप कैश को आप ध्यान में रखोगे। कैश आप क्या करोगे, कैश का रूल क्या होता है, सिर्फ कैश को देखो। हम इसी के बेस पे इसका क्वेश्चन कर लेंगे। फोर के फोर एंट्रीज। कैश क्या होता है, आपको इक्वेशन में आपको चेक करना पड़ता है कि कमिंग या फिर गोइंग। देखो, कोई भी आप इक्वेशन पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन से कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में या फिर जा रहा है। अगर आ रहा है, आपको लग रहा है, तो उसको जर्नल एंट्री में क्या कर दो, डेबिट कर दो। और अगर जा रहा है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब हम इक्वेशन वन रीड करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है ₹5,000 ड्यू। ड्यू का मतलब होता है कि इतना आपको लेना था फ्रॉम रमेश। रमेश फ्रॉम है तो इसका मतलब रमेश से 5,000 रुपीज आने थे। ड्यू इज नॉट रिकवरेबल, जो कि अब आपको मिलेंगे नहीं। अब आपको जब बोलेगा नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको नॉट रिकवरेबल है कि ये 5,000 क्या हो गए, डूब गए। जैसे कि पर्सन है, आपको हमें कहीं में प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि हमें उम्मीद ही नहीं है कि वहां से पैसे आएंगे। जब नॉट रिकवरेबल होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मीनिंग ही यही होता है कि अमाउंट इज दैट नॉट रिकवरेबल, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। कभी भी बैड डेब्ट्स क्रेडिट नहीं होगा। तो हमारे जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप क्या लिखा करो, यहाँ पे डेबिट। और क्रेडिट के लिए क्या लगाते हैं, टू वर्ड लगाते हैं। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में ना कैश का कोई रूल नहीं था, तो जो कि अभी नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल को हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अब कौन हुआ बैड डेब्ट्स, रमेश हुआ। रमेश जब बैड डेब्ट्स को आप किसी पर्सन को डाल देते हो तो वो हमारे बिजनेस में से आउट हो जाता है। तो टू रमेश कितना, 5,000। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नरेशन आप शॉर्ट फॉर्म में, मैं आपको ओरल बताती जाऊंगी, लिख आप लेना कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। ये हमारी थी फर्स्ट एंट्री। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री पे। सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। जहां पर भी इंसॉल्वेंट वर्ड आए तो वहां पर भी क्या होगा, बैड डेब्ट्स आएगा। नॉट रिकवरेबल वर्ड हो और क्या हो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो आपको कंफर्म है कि आपका डेबिट साइड में डेबिट आप पहले लिखोगे और क्रेडिट के लिए आप क्या लगा दोगे, टू लगाओगे। ठीक है, तो आपको कंफर्म होता है कि जहां पर इंसॉल्वेंट है तो डेबिट में बैड डेब्ट्स वर्ड तो जरूर आएगा ही आएगा। अब ये देखना है कि फुल अमाउंट आएगा या कुछ परसेंटेज आएगा। सोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। रिसीव्ड 60 पैसा ऑफ ₹10,000। 60% का मतलब होता है कि जितना आपने उसको लिया, और पर्सन पूरे अमाउंट से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री, आपको क्या रिसीव्ड है, सबसे पहले क्या होता है कि रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड का मतलब कैश। जहां पर रिसीव्ड हो तो इसका मतलब कैश आएगा। जहां पे आपका पेड हो तो इसका मतलब कैश की एंट्री होगी। तो वो रिसीव्ड में कमिंग और पेड में गोइंग डेबिट हो, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम करोगे, रिसीव्ड हुआ तो आपको पता है कि कैश इज कमिंग, तो आप कैश को क्या कर दो, पहले डेबिट कर दो। और एक डेबिट क्या होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट था तो कंफर्म बैड डेब्ट्स भी होगा। तो बैड डेब्ट्स
अकाउंट डेबिट, और टू सोहन, सोहन को आप पूरा क्रेडिट कर दो क्योंकि वो अब हमारा डेटर नहीं रहेगा। सोहन को पहले पूरा 10,000 से क्रेडिट कर दो क्योंकि उसका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। अब 10,000 में से आप क्या करोगे, 10,000 का 60%, तो 6,000 आप क्या कर दोगे, यहाँ डाल दोगे, और इसका मतलब 4,000 क्या हो गया, नॉट रिकवरेबल क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड कैश आ गया। जब रिसीव्ड होता है तो आप कैश में चले जाओ, आप पहले डेबिट डाल दो, डेबिट डेबिट और क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज करेंगे। रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर, जब बैड डेब्ट्स के साथ क्या लगाओ, लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, तो वो क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता है। वो क्या होता है, बैड डेब्ट्स, जब भी बैड डेब्ट लास्ट ईयर लिखाओ तो वो क्या होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, देखो बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट होता है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है। तो आप क्या करोगे, रिसीव्ड कैश तो कैश इज कमिंग, डेबिट हो जाएगा, तो आपको पता है डेबिट में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर। ये हमारी थर्ड एंट्री, कितना, 700। अब नेक्स्ट एंट्री फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री बहुत अच्छी है एंट्री। हरी अ डेटर्स, हरी एक डेटर्स था, हरी से अपने डेटर का मतलब होता है जिससे पैसे आने थे, 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। देखो अभी मैंने लास्ट में भी बताया था, जहां पर भी इंसॉल्वेंट आए तो वहां पर क्या होता है, बैड डेब्ट्स कंपलसरी होता है, और बैड डेब्ट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। आप कुछ भी लिख दो, पहले डेबिट अपनी लिख दो आप, डेबिट, और क्रेडिट के लिए आप क्या कर दो, टू वर्ड लगा देंगे। हमें क्या करना है, हरी एक डेटर है बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वर्ड आया तो डेबिट में आपका बैड डेब्ट्स तो आएगा ही आएगा। बैड डेब्ट्स पहले कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अब हम देखेंगे कि कितना अमाउंट आएगा। हरी से 10,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रूपी, मतलब 60 पैसा का मतलब होता है परसेंटेज, कि इतनी परसेंटेज, इतना पैसा आपको क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड है तो रिसीव्ड की जगह क्या आएगा, कैश आएगा, कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। हमें पता लग गया कि कैश भी आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो गया। देखो रिसीव्ड के लिए कैश हमने डेबिट कर दिया, इंसॉल्वेंट के लिए बैड डेब्ट डेबिट कर दिया। अब हम देखते हैं कुछ और भी चीज है, पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्शली इन फॉर्म ऑफ मशीन, जैसे हमें कितने कुछ पैसे आने थे तो उस पैसे की जगह क्या हुआ, कुछ तो हमें सामान मिल गया, सामान की जगह क्या मिला, मशीन। तो कमिंग में क्या हुआ, कमिंग में कैश, कुछ कैश आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है। तो आप क्या कर दोगे, मशीनरी को भी क्या कर दोगे, मशीनरी अकाउंट को भी क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और टू हरी, हरी को आप क्या कर दो, पूरा क्रेडिट कर दो क्योंकि उसको आपको खत्म करना है। हरी का पूरा कितना पैसा था टोटल, 10,000, इसको पूरा क्रेडिट कर दो क्योंकि उसको हमें जीरो करना है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया था। अब 10,000, 60 पैसा आपको क्या हुआ, मिला था, तो इसका मतलब 10,000 में से 60 पैसा आपको मिला जिसमें कैश और मशीन, मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, 10,000 था, इसको दो पार्ट कर दो, उसमें 60 पैसा आपको मिला, इसका 60% कितना हुआ, 6,000, ये मिल गया। इसका मतलब जो बाकी का 4,000 है वो क्या हो गया, जो आपको नहीं मिला वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। तो यहाँ पर आप क्या डाल दो, 4,000 डाल दो, क्योंकि जितना आपको रिसीव हो जाता है इंसॉल्वेंट के केस में उतना कैश में आएगा, और बाकी जो आपको रिसीव नहीं हुआ वो बैड डेब्ट्स में जाता है। अब 40% हमें कंफर्म है कि ये बैड डेब्ट्स हो गया। अब ये जो 6,000 आपको रिसीव होना था उसमें कैश और मशीनरी मिली है। अब मशीनरी कितनी मिली है आपको, मशीनरी की जो वैल्यू थी हमने परीड करी थी 3,500 थी, कितनी थी, 3,500। तो दैट मीन्स 6,000 में से 3,500 तो आपका क्या हो गया, ये आपकी इसमें आ गई मशीनरी। इसका मतलब बाकी का जो 2,500 है वो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल आपका 6,000 आना था, उसमें से 3,500 को हटा दो, 2,500 आपका कैश आ गया,
और बाकी का जो मशीनरी की वैल्यू थी वो क्या आ गई, 35। अब इसका टोटल करोगे तो वो 10,000 टोटल आपका क्लियर आ जाएगा। ये हमारे, अब नरेशन आप लिख दोगे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में कि रिसीव्ड कैश फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हरी पार्शली कैश एंड पार्शली एज अ एसेट आपको रिसीव हुई है। नरेशन आपने जरूर लिखनी है, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मेरा मेन था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कैसे डेबिट हुई और कौन सी चीज़ कैसे क्रेडिट हुई।